अभी क्या हाल है? भाई अब सारी बातें छोड़ो। हाँ ये मेरे को फोन का बिल क्यों आ गया? $120 का, है 120। $55 वाला प्लान लेके आए? दिखा अभी 5 दिन हुए मेरे को फोन लिए हुए, नंबर लिए हुए, और $120 का मेरे को बिल आ गया। ओ किस बात की तेरी, खुशी में? 121 का बिल आ गया है। रिक्वायर्ड पेमेंट डेट 27 सितंबर। फोन तो हमने लिया था जी, जिसके अंदर $55 पर मंथ का प्लान था, 4 GB डेटा मिलना था, और 5 ही दिन हुए अभी लेके आए हुए। उसकी मैंने वीडियो डाली थी, वो डाली नहीं, बट शायद इसी दिन की वेट हो रही थी। ये तो बढ़िया हो गया। तो ठीक है, चलते हैं जरा फाइडो पता करके आए इतना बिल कैसे आ गया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए? पासपोर्ट और स्टडी परमिट। और कोई क्रेडिट चेक हुआ तेरा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बैंक की डिटेल मांगी? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी। क्रेडिट कार्ड मांगा? पूछा था, ऑप्शन है देना, बट अभी मेरी अपॉइंटमेंट है बैंक की, इसके बाद तो उसके बाद ही मिलेगा, तो अभी नहीं दिया। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फ़ोन वाला जो, अगर आप पे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमने फ़ोन ले लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कम से कम। और अगर आपके पास 2 साल का वीज़ा है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो 1 साल का स्टडी परमिट है ना, तो इसलिए वो तो मिलेगा नहीं। और उसके लिए कई बार क्रेडिट चेक चाहिए होता है, क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, अगर आपने लेना है फ़ोन वाला। तो यहाँ पर अगर आते हैं तो गेट अ पोस्टपेड कनेक्शन ऑन योर स्टडी परमिट फर्स्ट, और उससे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाइए 3-4-6 महीने का रिकॉर्ड, और फिर फ़ोन वाला ले सकते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। In the Fido store, I'm supposed to be getting a SIM card for Nikhil, and the plan that we've chosen is 4 gigabyte. Yeah. 4 gigabyte, and it is for 49. 499. 499, and including taxes, how much is gonna be? Around. I'm trash in math, actually. Around $56. Around 56. $55, $56. So about $55, $56 Canadian dollars, and that's gonna give us 4 gig of data with unlimited calling, unlimited calling and unlimited text. So it's a pretty sweet deal, by the way. And you are? Adriana. Yeah, Adriana. Is that a French Canadian name or? No, I'm Russian. Oh, you're Russian? Yeah. Wow, okay. How about you? I'm Julian Sean. Julian Sean. Is that a French Canadian name? No, it's from John Lennon, the Yes, Two Son. John, Julian and Sean Lennon, that's actually. Ah, lovely. Okay, perfect. Okay. It's just for, by example, c'est done? Yeah. We are एंड इतने बड़े कैमरे ने थोड़ा सा एड्रियाना को भी नर्वस कर दिया था। एंड शायद इसीलिए उन्होंने हमें बड़े तहम्मुल से सारी डिटेल समझाई। As you can see, there's 3 steps. 1, 2, 3. I put that back. And it's important to restart the phone. Okay. Yeah, you can do it. Oh, that's a flash? Oh, that's nice. Okay, so you have to open the phone. Oh, okay, that's special. अब बाबू जी, मैं कोई स्टूडेंट सिम कार्ड्स में एक्सपर्ट तो नहीं, इसलिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये मैंने जो बेस्ट असेस किया उसके हिसाब से है। बट ये प्लान्स ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई नए बोनसेस आते रहते हैं। तो व्हेन यू कम हेयर, मेक श्योर यू डू योर रिसर्च। सारे प्लान्स वैसे तो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं ही, और फाइडो और चैटर जो सस्ती कंपनीज़ हैं, इनको भी रॉजर ने खरीद लिया है, तो ये भी रॉजर की ही कंपनीज हैं। और रॉजर्स जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है जिसके पोस्ट पेड प्लान चलते हैं। दूसरी बात यह कि अभी जैसे इसका प्लान लिया है $50 प्लस टैक्सेस में, इसमें 4 GB मिला है, कई बार बोनसेस आते रहते हैं
जैसे कि अगर हम 55 दे देते यानी कि टैक्स मिला के अराउंड 62 तो उसके अंदर 4GB प्लस 5GB 9GB डेटा मिल रहा था। तो अब यहाँ इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे जियो चल रहा हो, तो इंडिया से पहले जो सिस्टम था ना जियो वाला वैसे ही है बट यहाँ पे उससे महंगा है। और उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत कम है और ज़मीन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंट्री है ये और इनको हर जगह टावर लगाने पड़ते हैं, बट अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले लोग इनकी आबादी बहुत ही कम है, तो इतनी कम आबादी के लिए टावर लगाने तो इनको जो कॉस्ट पर यूज़र है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि इनका शौक है एक्सपेंसिव करने का, दैट्स द मेन रीज़न। वो कोई खास रिक्वायरमेंट तो नहीं थी यार, एक तो उन्होंने मेरे से एक एडिशनल नंबर मांग लिया क्यूबेक का ही, ताकि अगर वो लोग मेरे को ना रीच आउट कर पाए तो वो किसी और को रीच आउट कर सके, और दूसरा रजिस्टर करने के लिए एक एड्रेस तो चाहिए था, तो उन्होंने मेरे से क्यूबेक का एड्रेस भी मांगा, जो कि मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास अभी अकोमोडेशन नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप जिस जगह पर रुके हैं, चाहे वो एयरबीएनबी है, चाहे वो सबलीज है, चाहे वो होटल है, आप उसका एड्रेस दे दीजिए और जब अपना अकोमोडेशन फाइनल करेंगे तो आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। मैं तो फ़ोन नंबर किसका दिया है, फ़ोन नंबर मैंने अपने कॉलेज का दे दिया। अच्छा, बस ताकि वो लोग कॉलेज को रीच आउट कर सके जस्ट इन केस, और एड्रेस मैंने जहाँ सबलीज में रुके हैं अभी वहाँ का दे दिया। और मेरा फ़ोन नंबर तो ऑन्टारियो से लिया हुआ है क्योंकि मैं ऑटवा में रहता हूँ, तो इसलिए मेरा फ़ोन नंबर यहाँ चलता नहीं। उसकी वजह यह है कि ये लोग कहते हैं कि क्यूबेक के प्लान सस्ते हैं, लोग यहाँ आके सिम कार्ड खरीद लेते हैं, तो इसलिए मेरा फ़ोन नंबर नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि मेरा 343 से शुरू होता है जो कि ऑटवा का कोड है, यहाँ पे 514 चलता है, तो 514 नंबर या 520 बोलता ना यार, जो भी मतलब यहाँ का मॉन्ट्रियल का या क्यूबेक का कोड होना चाहिए तो ही आपको क्यूबेक का नंबर मिलता है। एंड दिस माइट नॉट बी द केस एवरीवेयर बट अगेन ये रूल्स भी चेंज होते ही रहते हैं। एक आखिरी चीज, $35 की एक्टिवेशन फीस भी है जो आपको अलग से देनी पड़ेगी फोन नंबर लेने के लिए। एक मिनट यार, गाड़ी निकाल लूं। थैंक यू। यहाँ पे लोग थैंक यू करके निकलते हैं जब भी कोई रास्ता दे दें, क्योंकि उसका राइट ऑफ वे था, वो जा सकता था पहले क्योंकि वो मेन रोड पे था, तो इसलिए मैंने थैंक यू कर दिया। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है ना वो ऑटो पेमेंट से होता है। अब जैसे ये निकल जाएगा यहाँ से, अभी तो हमने अपफ्रंट पेमेंट करी है, उनके पास कोई बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब हम इसके अंदर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जाके डाल देंगे या इनको दे सकते हैं, और उसके बाद हर महीने जो है बिल इसके कार्ड से कटना शुरू हो जाएगा, और क्रेडिट कार्ड बैंकिंग वीडियो में आप देख ही लेंगे कि फ्री में मिल जाता है यहाँ पे बैंक अकाउंट के साथ। अब बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद उसकी ट्रांजैक्शंस एक्टिवेट करने के लिए आना पड़ता है सर्विस कनाडा, जो कि एक सरकारी दफ्तर है जहाँ पे आपको मिलता है कि यूनिक आईडी सिन नंबर यानी कि सोशल इंश्योरेंस नंबर। अभी क्या चल रहा है? डिटेल्स अभी उन्होंने लिए हैं मेरे से स्टडी परमिट की। क्या डिटेल? नाम लिया है और अभी जहाँ टेम्परेरी रुका हुआ हूँ उसका पोस्टल कोड लिया है। अच्छा, और अब उनकी टीम से एक बंदा अप्रोच करेगा मेरे को जो एप्लीकेशन आगे बढ़ाए। उन्होंने बस मेरा स्टडी परमिट लिया, जब अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने स्टडी परमिट लिया, बंदे ने मेरे से डिटेल्स ली वेरीफाई करने के लिए, उन्होंने पासपोर्ट देखा, मेरा बर्थ डेट पूछा जस्ट टू वेरीफाई कि भैया मेरा ही पासपोर्ट है, और 5 मिनट उसने काम किया, उसके बाद मुझे प्रिंट करके दे दिया सिम नंबर। फिर इसके बाद अगले दिन मेरा दोस्त मॉन्ट्रियल आ गया तो हम उसके साथ घूमते रहे, और उसके अगले दिन उसके भाई की गाड़ी लेकर एक पास का हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने चले गए। बट 4 दिन बाद जब हम वापस आए तब तक बिल आया हुआ था $120 का, तो हम पहुंचे सीधा फाइडो। सॉरी, यू कॉल इन इंडिया? नो नो, आई डिड नॉट। ऑलराइट, आई मेड अ व्हाट्सएप कॉल। 91 It was a WhatsApp to make sure. It was a WhatsApp call. Yeah, it looks like you made a regular phone call instead of a WhatsApp call, dude. No, but what is the total for this? It's 570 just for that. But there's like extra things. What extra do I have? फिर हमें डिटेल में समझाया गया कि पहला बिल इतना ही आता है, पर क्यों?
with only an expense of $5, you learned that you need to be more careful with making calls to India. Yeah, I did not make a call to India, though I have to check. Yeah, definitely you did. So the second bill is going to be about 23. Yeah, because it was the plan 49. Yeah. Plus the protection, mm-hmm. it's 58, like before taxes. No. Yeah, then we'll have a credit of $35, so it will be around $23. $23 plus taxes. Yeah. Perfect. So the next, it's going to be just in the next bill. Okay. ओके जी, तो लफड़ा क्लियर हो गया. बेसिकली एक तो जो हमने सिक्योरिटी की पेमेंट की थी वो एडवांस चलती है तो अगली साइकिल में क्रेडिट हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बाबूजी ने इंडिया वाले नंबर पे एक फ़ोन मिला दिया था गलती से. किसी ने इंडिया वाले नंबर से कॉल किया होगा, तेरे को इंडिया से कॉल आई होगी, तूने इसने कॉल बैक मिला दिया व्हाट्सएप कॉल सोच के. कॉल मेरे को कॉल वैंकूवर से आई थी, बट वो बाय चांस मेरे मतलब किसी का इंडियन नंबर था जो इंटरनेशनल रोमिंग पे था. तो कोई इंडिया से वैंकूवर आया हुआ था, उसने तेरे को वहां से कॉल कर दी इंडियन नंबर से, तूने उस पे कॉल बैक कर दी 5 मिनट की और तेरे लगे कितने $5, फिर भी बचा हुआ है. चल ज्यादा नहीं, $5 फिर भी ठीक है. तो अभी 120 का बिल कैसे बना? 50 हो गए इसके बिल के, 35 हो गए प्लान के, जो कि रिफंड हो जाएंगे $9 डिवाइस प्रोटेक्शन के, जो इंश्योरेंस लिया हुआ है जो कि 4 महीने के लिए है क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, और ये $5 और ये $5 कुल मिला के 50 40 45 95 और 10 105 प्लस टैक्सेस 120 बन गए. अब अगले महीने का बिल आएगा $23, तो चलो बचा हुआ है. और सिम प्लान्स तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में भी मिल जाते हैं, बट whistleout.ca एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने लिए एक प्लान चूज कर सकते हैं विद और विदाउट फोन्स. बट हम यहाँ आए ही थे तो सामने बैंक में इसका सिन नंबर भी अपडेट करने चले गए ताकि ट्रांजैक्शंस भी एनेबल हो. पैसे अकाउंट में आते ही निकाल रहे हैं, कितने निकाल रहे हैं? $1,000. आई शाबाश. ग्रोसरीज लेनी है थोड़ा खर्चा. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. सीधा बोलना उधार वापस करना है. जूते शूते जैकेट शैकेट देगा अब? चल डाल. English. अच्छा English तो by default है. मैं वही तो करता हूँ मैं. Checking. Saving को हाथ भी मत लगाइयो. Charge लग जाएगा. चल डाल. आए आए 50,000 कट्ठे withdraw. करो फिर. आने दो. ठीक है. Sorry you exceeded. आया ना 500 की transaction limit है. ओके तो बैंक से निकाल लेते हैं. चल क्विट कर. चलो काउंटर पे. हाँ भाई ले आया. हाँ जी. क्या बात है? नोट थोड़े अजीब नहीं होते हैं ये प्लास्टिक के? यार मेरे को तो पर्सनली अच्छे लगते हैं ये, ऐसे फटेंगे वटेंगे भी नहीं. हाँ. और मेरे से अगर कपड़ों में रहेंगे धुलते हुए तो कोई दुख भी नहीं होगा. हाँ, क्योंकि मम्मियां तो चेक कर लेती हैं, हम तो करेंगे नहीं. मम्मियां तो इसलिए भी चेक कर लेती है कि देखे रसीद लगे, पता लगे कहाँ कहाँ खा पी के आया है, कितना खर्चा किया है, कहाँ खा पी के आया है, पता लग जाता है सब. चलो ठीक है. गड्डी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो गाइस, तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा. एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड देयर टाइमली अपडेट्स. मैं काला गोरा तो नहीं हो रहा है इसके चक्कर में? एक मिनट. एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड द टाइमली अपडेट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल. शाबाश. ये फुका हुआ है ना, पहले तो इसको अलग ही कर दूं. ये लो जी, इसकी पीछे की हालत. ये जो इसका होल्डर होता है वो अंदर ही रह गया, ये ऐसे फुका है, तो इसीलिए इसी में ही कुछ गड़बड़ है. तो अब ये पूरा जुगाड़ हम उतारेंगे और इसको फिर लगाएंगे. स्क्रू ड्राइवर अभी ढूंढते टेस्टिंग का टाइम आने वाला है. अबे बल है, बड़ा बल जी है. अबे यार इतनी मेहनत बेकार गई, बल भी नहीं है. अरे
GU10 चाहिए। ये बल्ब पे देखो ना, ये दो डंडे भी तो बने हुए हैं ऊपर। हाँ, यही है। तो इसमें हम अच्छे वाले ले लेते हैं। 350 लूमेन, कितने के आए हैं? बड़े महंगे बल्ब हैं। 16। लाइट हटाइए उसका, ऐसे थी नीचे से और ये ऐसे। GU10 ये लेने हैं। ये हमें मिले $7 के 3, वरना 15 वाले भी हैं। और ये थोड़ा वाइट कलर है, बट ये मुझे लग रहा है ब्राइट वाइट होगा, बट कोई बात नहीं, अपनी लाइटिंग के लिए वैसे डे लाइट वाइट कलर ज्यादा बढ़िया है। काम चलना चाहिए, वैसे ही पैसे तो बाउन देने हैं। चलो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जला के फूक रहा है, जला। ओए, जल गई। वेरी गुड लाइट, वेरी गुड लाइट, आई लाइक इट। अच्छी लाइट है, बॉम लाइट ही है। हाँ, बॉम लाइट है, ठीक है, लगा दो। 3 है, बले शेरा शाबाश। लो जी, कड़ो फिर लाओ। पास है जी, पास है, लौंडा पास है।